महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से पूरे स्टेट्स में थिएटर शुरू करने की अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि करीब 19 फिल्में हैं जो रिलीज के लिए इंतजार में हैं। इन फिल्मों की कुल लागत करीब 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र से फिल्मों के कुल बिजनेस का करीब 40% रेवेन्यू आता है और फिल्म इंडस्ट्री को महाराष्ट्र के थिएटर खुलने से बॉक्स ऑफिस पर पुरानी चमक लौटने की उम्मीद है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के फैसले के तुरंत बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी फिल्म इस दिवाली पर रिलीज करने की अनाउंसमेंट की। इसके अलावा राधे श्याम की रिलीज डेट 14 जनवरी 2022 अनाउंस हो चुकी है और वैसे ही तड़प की रिलीज डेट 3 दिसंबर 2021 हुई है। और अब बॉलीवुड भास्कर ने बताया है कि आखिर किस फिल्म पर कितने करोड़ लगे हैं और उस हिसाब से जानिए 19 फिल्म पर लगे 1500 करोड़ के दांव को। राधे श्याम बजट है 350 करोड़, अतरंगी रे बजट है 150 करोड़, झुंड बजट 25 करोड़, सत्यमेव जयते बजट 50 करोड़, अनेक 40 करोड़, चंडीगढ़ करे आशिकी 20 करोड़, बंटी और बबली 2 50 करोड़, जयेश भाई जोरदार 50 करोड़, सूर्यवंशी 135 करोड़, लाइगर 125 करोड़, तड़प 30 करोड़, 83 100 करोड़, गंगूबाई काठियावाड़ी 75 करोड़, अटैक 55 करोड़, शर्मा जी नमकीन 30 करोड़, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव 50 करोड़, लूप लपेटा 25 करोड़, जर्सी 25 करोड़ एंड रॉकेट्री 100 करोड़। वैसे ट्रेड एक्सपर्ट और ट्रेड मैगजीन कंप्लीट सिनेमा के एडिटर अतुल मोहन ने बताया कि महाराष्ट्र में थिएटर खुलने से सब फिल्में आएंगी, मगर अभी भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर 100 से 200 करोड़ कमाने का दम रखती हैं। शायद और इंतजार करें तो ऐसा हो सकता है। ज्यादातर राज्यों में 100% ऑक्यूपेंसी मिल जाए, नाइट शो भी शुरू हो जाए, लोग भी बेधड़क थिएटर में आए, इन सब में अभी समय लगेगा। वैसे मुंबई के अलावा गुजरात दिल्ली यूपी के बड़े सेंटर्स में नॉर्मल फुटफॉल मिलने लगे हैं, उसके बाद ही 100 करोड़ की कमाई टारगेट अचीव हो सकता है। वहीं लारा कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तौरानी ने बताया कि बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि हॉलीवुड फिल्मों की तो 30-40% व्यूअरशिप महाराष्ट्र से होती है और अब हॉलीवुड की रिलीज भी बढ़ेगी। करण ने आगे बताया कि राजस्थान और कर्नाटक में 100% ऑक्यूपेंसी की परमिशन मिल चुकी है। अगर वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से हुआ और तीसरी लहर नहीं आती है तो अगले 2-3 महीने में बाकी के स्टेट्स में भी इसकी परमिशन मिल सकती है। इसके बाद हम बॉलीवुड रिलीज में सही रफ्तार देख पाएंगे। जाहिर है कि अब जब थिएटर्स खुल चुके हैं तो इसी के साथ अब बॉक्स ऑफिस की पुरानी चमक लौटने की भी उम्मीद की जा रही है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।